Okay, hello and welcome to the next video of the last video. And इसमें हम आगे कंटिन्यू करने वाली स्टोरी, अगर आप लास्ट वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ वो पहले देख लीजिए. कुछ समझ नहीं आएगा हम क्या इसमें बात कर रहे हैं, कुछ भी बड़बड़ाएंगे आप लोग के हिसाब से, तो लास्ट वीडियो देख लीजिए. अगर समझ आएगा कैसे देखें तो नीचे प्ले लिस्ट है एक डिस्क्रिप्शन में, जाकर उस पर क्लिक कर लीजिए. उस प्ले लिस्ट में पूरा लाइन से लगा होगा और वहीं से पूरा देखिए, लाइन से ही देखिए और एन्जॉय करिए आगे. आई होप यू लाइक इट. चाहे विधानसभा से चार बाग आए, चार बाग पे आके बैठ के टिकट वगैरह बुक किए, मतलब फिर अब भाई शादी करना है तो जुड़ता है रिश्तेदारों को, उसी तरह को जुटाना जो भी है सब लफा वा लेना पड़ेगा, कुंडली तो बनवाना पड़ेगा ना. दे आर ऑल्सो नॉट सेइंग समथिंग इलॉजिकल, उन लोग को चाहिए भाई हर बाग का. बहुत लोग होते हैं ऐसे, मतलब बहुत लड़के ऐसे होते हैं, लौंडे होते हैं कि प्यार होता नहीं उन लोग को, बस मजे मजे मारने में लौंडिया फंसा लेते हैं. और पूरे तो भाई अपना लौंडिया देने से पहले कुछ सोचेगा ही ना, मतलब एडमिशन देने से पहले, अपने कंट्री में देने से पहले परिवार तो सोचेंगे. तो आई वॉन्ट आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू देम. तो फिर वो लोग तो वही कर रहे हैं, बस अपना चेक कर रहे हैं कि लौंडा सही कि नहीं सही है, मतलब एक वो रख रहे हैं, क्या बोलते हैं, कॉपी रख रहे हैं ओरिजिनल चीज़ का, मतलब जो आपका वो है बर्थ सर्टिफिकेट कुंडली का कॉपी रख रहे हैं. तो फिर हाँ, फिर वापस आए हम वहाँ पे, फिर टिकट बुक किए हैं खूब, वापस बनारस आए रात में. फिर गए सुबह अगले दिन पंडित के पास, मतलब स्कूल में, स्कूल का हालत करते हैं पंडित का, रोज दौड़ाना, 10 दिन दौड़ाना, एक काम करना, प्रिंसिपल नहीं है, पंडित नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, कुंडली में ठप्पा लगाना ही नहीं उन लोग को, ठप्पा में कुंडली पे नक्षत्र में सही है बताना ही नहीं उन लोग को नक्षत्र में सही है. तो फिर लेकिन फाइनली आफ्टर 4 डेज, आफ्टर 3 डेज उन लोग पंडित मिले, ठप्पा लगा दिए कि नहीं कुंडली सही लड़के का, नक्षत्र में गड़बड़ी नहीं है, पास हुआ है अच्छे खासे तरीके से, परसेंटेज आया है, ठप्पा लगा दिए. फिर लेके गए फिर वो लखनऊ काम, फिर वही काम कराए, फिर वापस आए हम, वो वाला कोरियर कर दिए वहाँ पर पहुँचाने के लिए कि लो भाई नक्षत्र उक्षत्र वाला कन्फर्म हो गया है. वापस आए अपना हम, दिस ऑल स्ट्रगल द टाइम सब आई किस, दिस इज ऑल द स्ट्रगल्स आई हैड विद रिस्पेक्ट टू इटली. क्योंकि इटली में क्या ना, इसमें अलग लोग के अलग नखरे, उन लोग के अलग नखरे थे, तो उन लोग के जो नखरे थे वो हम, मेरे हाथ नहीं था ना, मेरे हाथ नहीं था कि हम स्कूल के पंडित बन जाएँ और अपना ट्रांसक्रिप्ट सबमिट कर दें, तो नहीं कर पाए. लेकिन ये मेरे हाथ में था कि हम दौड़े लखनऊ से यहाँ रोज़ 1000 किलोमीटर मजाक बना दिए थे हम, तो फिर ये हाथ में था, तो प्यार के लिए तो स्ट्रगल करना ही पड़ता है, लड़ाई मारनी पड़ती है आशी कमाना को. तो फिर वो सब कर लिए हम, और फिर हाँ फिर दौड़े उड़े, फिर यहाँ पे वो सबमिट हो गया, वहाँ पे वो हो गया, पोस्टर हो गया, फिर वापस आए यहाँ पे. फिर जो था ना कि वो था बैंक स्टेटमेंट हुआ, घर है गाड़ी है पैसा, तो भी ऑब्वियसली कोई कैसे मान, हम बस बोल देंगे हनी सिंह बोल दिए फोन पे तो मान गया, वो चूतिया था ना, हनी सिंह नाम तो मान गया होगा, लेकिन उन लोग कैसे मान लेते, तो उसके लिए स्टैम्प चाहता है एफिडेविट जिसको बोलते हैं. तो वो बनवाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि हमको नहीं आता, मिल भी नहीं आता 100 रुपये का स्टैम्प उस टाइम पे, तो बनवाना होगा किसी तरह गए 11 तारीख को. फिर दूसरी मतलब पहले तो डेट थी शादी की 30 तारीख को शादी होगी, 30 सितंबर को, फिर दिन कैंसिल हो गया कि नया डॉक्यूमेंट चाहिए आपको फैमिली में, ठीक है अच्छा हम लोग दोबारा शादी करने आएंगे, बारात वारात लेके आएंगे 30 तारीख 11 तारीख को, 11 अक्टूबर को. हाँ तो जब दिल्ली में थे हम, जब दिल्ली आए थे वापस, तो ऑब्वियसली शादी होने के बाद है डोली उठते समय लड़कियाँ रोती हैं बकायदा, तो सब लोग रोता है, हम भी ऑब्वियसली, मेरा क्या था बचपन से प्रॉब्लम है, रोना अपना नहीं आता अच्छे से, आई एम नॉट द गैट गुड विथ इमोशंस. तो फिर जब डोली उठ रही थी, मतलब जब हम बनारस से दिल्ली आए थे फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड जब यहाँ पे आए थे कुछ टाइम पे, फिर जब वापस लखनऊ उखनऊ के लिए दौड़ रहे थे सब, तो फिर रोना हमको भी आता, सबको रोना आता है. तो फिर बट नॉट द लिटरल रोना, आई वॉज क्राइंग इन माई माइंड एंड माई हार्ट. और डोली उठते समय सब लोग लड़की उड़की रोती है, सो इफ यू आर नॉर्मल भाषा में इसको होम सिकनेस बोलते हैं बाई द वे, सो सबको होम सिकनेस फील होता है. आई टू फेल्ट इट एंड आई फेल्ट इट लाइक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग. द गुड पार्ट इज हम, मैं 12th खत्म हुआ था, तो आफ्टर यूएल डिसइंटीग्रेशन था बोल सकता, तो मैं इसे इमोशनल सिस्टम में बंद हो गया था पूरा, मतलब आई वॉज जस्ट माई स्पाई फॉर वेरी लॉन्ग, बस हम प्रोफेशनलिज्म में ध्यान दिए थे, मतलब बस कंप्यूटर से ही प्यार करते, बाकी ऐसे फोकस नहीं करते. बट ड्यू टू दिस होम सिकनेस एंड होम सिकनेस विद रिस्पेक्ट टू फ्रेंड्स एंड ऑल, इसे मेरा इमोशन रिस्टार्ट हो गया एंड आई फेल्ट वेरी गुड. दिस होम सिकनेस टर्न आउट टू बी अ गुड थिंग फॉर मी. एंड अगेन इफ समवन लाइक मी, जो बहुत ही डिस्कनेक्टेड रहता है अपने इमोशन ऊपर, जब इसको इतना हमको इतना फील हो सकता है इमोशन ऑन दिस सिवियर लेवल, ऑन दिस फॉर्म लेवल, आई गेस एवरीवन विल हैव टू फेस होम सिकनेस व्हेन दे मूव टू न्यू प्लेस और लाइक दिस एंड एनी प्लेस, नॉट जस्ट इटली फार अप्रॉस, बट टू लाइक लेट्स से अ डिस्ट्रिक्ट और सिटी नेक्स्ट टू देम, इफ यू विल मूव नेक्स्ट अवे फ्रॉम योर मदर और पेरेंट्स एंड फील होम सिकनेस एंड ऑल. फिर गया 11 अक्टूबर को भाई साहब, उन लोग शादी मतलब सब डॉक्यूमेंट वॉक्यूमेंट लेके अपना भेज उठ के पोस्टर करके, तो पता चला कि नहीं ये मतलब फिर हाँ, तो फिर तो पंडित घर वाले तो ऑब्वियसली घर वाले सही, उनको कुछ नहीं बोला है. जो वहाँ पे वो थी मतलब जो होता है ना टेक्निकली जो डॉक्यूमेंट चेक करती हैं वहाँ पे ऑफिस एम्प्लॉइज VFS सेंटर पे, कि आपका डॉक्यूमेंट सब सही है कि नहीं एम्बेसी के लिए कुरियर करने के लिए, अपने भाषा में बोले निकॉफ भाषा में, तो वो जो था जो क्या बोलते हैं क्या नजर सही पड़ेगा यहाँ पे पंडित का वो जो असिस्टेंट होता है, चेला, पंडित का चेला दिक्कत कर दिया
जिधर पंडित पूजा करने से पहले चेला से मंगवाता है, ये सामग्री लेके आइए आप सब, मतलब वो पंडित थोड़ी ना वो लेके जाएगा, पंडित के पास कुछ ना कितना वो नक्षत्र से सबमिट करेगा, मतलब डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा, पंडित अपने चेला से मंगवाता है। तो चेला जो था मतलब जो एम्प्लॉयज थे वो लोग क्या किए कि डॉक्यूमेंट मैं ध्यान से देखे नहीं अच्छे से, वो लोग कहें कि आपका एक डॉक्यूमेंट और मिसिंग है, आप ये भी लेके आए डिजी लॉकर का अपोस्टाइल। अब फिर मतलब शादी का डेट हो गया तो वहाँ से आना लगे बात है ना बारात में से, तो फिर लेकिन फिर भी तब भी हम लोग आए, लेकिन वो गलती चेला की थी, चेला ध्यान नहीं दिया था, मेरे पास सब डॉक्यूमेंट थे मतलब मैं नक्षत्र तो सब सही थे, चेला ढंग से देख नहीं पाया था। तो फिर वापस आए एक दिन, एक हफ्ता और रुके, फिर गए वहाँ पे काम करवाए, एक हफ्ता में भी था झमेला वगैरह छोड़ के आई बताए वो, फिर झमेला वगैरह लेकिन फिर वापस आए हम, तो फिर ये सब कराए उन्होंने, फिर गए वहाँ पे, मतलब फिर जो कहा था कि आपके डॉक्यूमेंट का मैं चेला बता दिया था, वो भी डॉक्यूमेंट जरूरत नहीं था गलत, मैं सही था तब भी दोबारा बना दिया हम, वहाँ के लेके गए वहाँ पे, तो फिर बताया, फिर चला जब ध्यान चेक किया तो कह नहीं नहीं ये डॉक्यूमेंट आपका सही था, फिर झेप रहा था, आई कैन सी उसके दिल में दुख था, वो फीलिंग काइंड ऑफ एम्बरेस्ड कि नहीं वो गलती कर दिया है। तो फिर चला ठीक है गलती किया था, बट मेरा क्या है हम तो डॉक्यूमेंट दिए, तो जो भी डॉक्यूमेंट था बाकी नक्षत्र से सोलह सब सबमिट कर दिए हैं, अपने जो लव लेटर था एक एक तो लव लेटर जाता है यूनिवर्सिटी में, एक यहाँ जाता है कि परिवार को लव लेटर, तो ये थोड़ा उसमें लव थोड़ा कम रखना पड़ता है, इसमें अपना दिखाना पड़ता है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल मैन, ये सब दिखाना पड़ता है ना, मतलब आप लड़की से अलग बात करते हैं पटाने के लिए, घर वालों से अलग बात करते हैं पटाने के लिए, दोनों लोगों को पटाना पड़ता है इसमें, तो दोनों क्या उन लोगों में बस लड़की पटा लो हो गया काम, यूएस वालों में यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो फिर बाकी मोस्ट काम हो जाता है, लड़की पटाना जरूरी है उनमें, उनमें लड़की पहले पटाना है फिर घर वालों को पटाना है, दोनों है, घर को पटाना ज़्यादा कठिन है लड़की पटाने से, लड़की पटाना पड़ जाती है। तो अब घर वालों को पटाना था हमको यहाँ पे, तो घर वालों पटाने के लिए नक्षत्र से था मतलब ना लड़का ठीक ठाक है, कुंडली मैच कर रही है, 16 गुण मैच कर रहे हैं जो भी मैच करता है, और आँख नैन नक्श सही है लड़के की तो सब ठीक है, और फिर पैसे वाला भी जो था कि हाँ घर गाड़ी पैसा है लड़की खुश रही मतलब यहाँ रह सकता है, तो फिर एवरीथिंग वॉज गुड। फिर जो इंटरव्यू मतलब लड़की वाले मतलब पेरेंट्स तो बात करेंगे ना, बेटा क्या करते हो, बेटा क्यों आपको प्यार है हमारी लड़की से, आप लड़की से नहीं मुनते कहाँ जाने वाले हो, तो सर तो इसको वीज़ा इंटरव्यू बोलते हैं, तो वीज़ा इंटरव्यू हुआ तो मतलब प्यार तो है दिन में भरा कूट कूट के भरा हुआ प्यार, तो बस वो एक्सप्रेस कर दिया इंटरव्यू में प्यार हम, कि कंप्यूटर फील्ड में क्या पढ़ना है हमको, एसी क्या होता है, क्यों फील्ड में जाना है हमको, एसी अगर बन जाएगा तो क्या होगा, दुनिया कैसे फ़ायदा होगा, जो बताए थे बेसिकली MIT के लेवल टाइम लिखे थे हम, उसको थोड़ा सा फॉर्मेलिटी बता दिए, फिर और बात किए कि आपको मतलब परिवार के बारे में बात किए, फिर कि आप परिवार के बारे में जानते हैं कुछ हमारे, मतलब इटली के बारे में क्या जानते हैं, तो बताएं कि हाँ जानते हैं ये सीन है इटली से ही, मार्केट से रिलीज रिलीज है मतलब जो मुस्लिम फील्ड के हैं, तो फिर सब बातें हुई हम लोग से, काफ़ी अच्छा रहा, इंटरव्यू इंटरव्यू हो गया फाइनली, घर वाले भी मान गए, तो घर वाले मान गए, लड़की मान गई, शादी हो गई चकाचक, मतलब घर वाले उसी दिन डॉक्यूमेंट सबमिट कर गए थे शादी वाला, अब शादी हो गया, अभी वीज़ा का अपॉइंटमेंट मतलब वो आ गया पासपोर्ट लग के, अब शादी हो गई भाई साहब, मतलब और हाँ क्यों शादी ज़रूरी है, मतलब उसके बाद तो आगे जो ज़िंदगी में है मतलब बैचलर्स हो गया, मास्टर्स करना, बैचलर्स हो जाएगा मास्टर्स, तो शादी के बाद जो होता है वो तो हो ही जाएगा, देखा जाएगा उसमें क्या होता है, अभी तक की लाइफ स्टोरी ये था मेरा, तो ये डोली उठना तो दिक्कत है, लाइक देर आर लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, बहुत स्ट्रगल्स है, आई टॉक अबाउट दैट इन सम अदर वीडियो, बट दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रगल्स एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड स्ट्रगल्स फ्रॉम दैट टाउन टू अदर टाउन, मतलब बाकी सब स्ट्रगल्स भी अच्छे थे, मतलब जब लखनऊ से हम ट्रैवल किए इतनी बार, तो हमको ट्रेन का सिस्टम समझ में आ गया, आई न्यू हाउ टू ट्रैवल अलोन, बहुत कुछ सीखे, बट दिस होम सिकनेस वॉज मतलब डोली उठना पे जो लड़कियाँ रोती हैं ना वो समझ में आ गया हमको भाई साहब अच्छे से, और जब मतलब भाई शादी हो रही है जा रहे हैं हम अपने ससुराल, और मतलब अपने अभी फैमिली अपने नहीं बनाने हैं उन लोगों के साथ रहने हैं, तो हाँ ये फैमिली पहले छोड़ने में फैमिली तो दिक्कत होगी, बट इट्स पार्ट ऑफ द विधि का विधान है ये, सब डोलियाँ उठती हैं, सब लड़कियाँ रोती हैं, तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट क्राई, इवन दो आई हैव लॉन्ग हेयर्स एंड आई लुक लाइक गर्ल, बट आई डिड नॉट क्राई, बट इट वॉज गुड, इट फेल्ट ऑब्वियसली द दिस थिंग वैन यू हैव नो इमोशंस एंड ऑल देन इवन नेगेटिव इमोशंस एंड दिस सैड इमोशंस उस टाइम पे सैड लगते, बाद में खुशी थी, चलो सैड इमोशन तो कम से कम फील हुए, सो इट्स गुड, इट वॉज गुड, डोली उठा था काफ़ी रोए थे बट इट वॉज गुड, एंड आई नो अभी हम जब इटली जाएंगे प्रॉपरली तब हम आउट होने वाले हैं, बिकॉज तब डोली प्रॉपरली उठ के पहुँच, अभी तो मिड वे डोली है ना, अभी गौना हुआ है तब तो प्रॉपरली पहुँच जाएगा तो रोना होगा, बट हाँ ठीक है जो भी होगा, आई एम ऑल ओके एंड आई एम ऑल हैप्पी टू डील विद इट। तो शादी मेरी ऐसी हुई थी और हो गई पूरी शादी, अब मतलब अब देखें आगे क्या होता है, अब मतलब शादी क्या मतलब वो तो बाकी जो काम होता है वो सब तो करते रहते थे हम, एक्साइटमेंट वाला काम, अब ये हो गया क्या ऑफिशियल हो गया, अब लिव इन टाइप का नहीं है, हम लिव इन से अपने क्विट कर दिए, मतलब डी यू से हम निकल रहे हैं, कि अब ये नहीं है ना कि हम प्यार किसी और से करते हैं, काम कुछ और कर रहे हैं ये वाला, और मतलब या तो प्यार करते हैं तो एग्जैक्टली उससे नहीं करते जो हम कर रहे हैं, जैसे कि मतलब बी वॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट था मेरा, लेकिन असली में पढ़ना था हमको इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग AI पढ़ना था हमको,
लेकिन हम पढ़ कुछ और रहते, तो ये सब नहीं है अभी मेरा। तो फिर ये सब सही था, अब लिव इन में नहीं, अब एकदम अच्छे खासे शादी हो गई, मतलब जिद करके एकदम शादी कर ली, लव मैरिज हो गई मेरी। एक कैन सी कितनी कठिनाइयाँ थी लव मैरिज में, पता नहीं कितने पार्ट अब तक हो गए होंगे इसके। तो फिर हाँ, लव मैरिज अच्छा खासा था हम लोग का, और काफ़ी मज़ा आया लव मैरिज में। काफ़ी स्ट्रगल था ना, स्ट्रगल था पार्ट ऑफ द जर्नी, तो जर्नी में भी काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी जो स्ट्रगल्स थे। ऑब्वियसली आई वाज फीलिंग बैड एट द टाइम, जब लखनऊ उठ जा रहे थे, आई हैड सम टॉक टू सम पीपल, काफ़ी गुस्से में थे उस टाइम पे हम। तो फिर लव मैरिज में काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी ही अच्छा था लव मैरिज मेरा, मतलब स्ट्रगल अगर नहीं होते तो मज़ा नहीं आता जिंदगी, क्या ही कहानी, क्या ही करवाते हैं, क्या ही बताते अगर स्ट्रगल नहीं था लव मैरिज में। तो फिर स्ट्रगल था, कहानी पढ़नी चाहिए भाई साहब। तो फिर हाँ, लेकिन अब हो गया, एंड आई एम हैप्पी विथ हर, एंड वी आर इवन मैरिड नाउ, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर। आई प्रॉब्ली आई वॉन्ट गिव अ डिवोर्स, ऐसे डिवोर्स होने का चांसेस नहीं है, ऐसे हम कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी नहीं बनने वाले जैसे बाकी लोग होते हैं कि पढ़ते इंजीनियरिंग कुछ और बैचलर करते हैं, करने इंजीनियरिंग भी हो रहते हैं। तो ऐसे नहीं, शादी हो गई, खुश है जिंदगी में, आई एम नॉट गोना चीट ऑन हर। ऑब्वियसली व्हेन आई डिड चीट ऑन हर, देन वी वर ऑन अ ब्रेक विद व्हेन आई चीट ऑन फिजिक्स। आगे ऐसा ऐसे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा ना, लाइक करंटली इट इज ऐसे अंडरस्टैंडिंग है, मतलब ऐसा नहीं कि आई एम चीटिंग ऑन माई ऑन कंप्यूटर एंड मे वर्किंग विथ मानेश्वर, वर्किंग ऑन फिजिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम कंप्यूटर एग्जिस्टेंस, मतलब समझ रहे, क्वांटम भी है मतलब मानेश्वर वाला भी, फिजिक्स वाला भी है, कंप्यूटेड भी है मतलब ऑब्वियसली प्यार का भी है, एग्जिस्टेंस भी है, मतलब कि मिला क्या है, थ्री सम टाइप का कह लो। तो फिर आगे भी आई डोंट थिंक आई हैव टू चीट ऑन, आई एम थिंकिंग ऑफ न्यूरो साइंस एंड ऑल, न्यूरो साइंस पढ़ने की सोच रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू माई फील्ड, और मतलब प्यार को समझने के लिए काम आएगा मेरे वो। तो फिर हाँ, सब करेंगे आगे, लेकिन आई डोंट थिंक आई विल चीट ऑन हर, और आई एम नॉट इवन गोइंग टू डिवोर्स एंड ऑल। एंड टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रेन ऑल, जो कि DHW था एक लास्ट मेजर, उसके बाद अब CQE होने वाला है। CQE के बाद फिर देखें और क्या होता है ज़िंदगी में आगे, और फाइनली आई गेस आई वी विल स्टॉप आफ्टर माई मेन आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट, इफ इट हैपेंस एवर इन फ्यूचर, एंड देट विल बी आवर लास्ट चाइल्ड। फिर एंड देन आई गेस दैट्स ऑल विद प्रोफेशनलिज्म, उसके बाद कुछ नहीं जाएगा। फिर मैं स्पाई मतलब फिर क्या होगा, प्यार ख़त्म, मतलब शादी जाएगी, फिर आई गेस वी विल डाई, माई स्पाई विल डाई आफ्टर दैट। हाँ, लेट्स नॉट गो टू दैट। फिलहाल का तो यही स्टोरी है। आई नो इट वॉज अ वेरी लॉन्ग वीडियो, इफ आई एम टेलिंग यू द रिकॉर्डिंग देन इट इज़ ऑफ अराउंड 1 hour 40 minutes, आई डोंट नो हाउ मच पार्ट्स आई हैव मेड ऑफ इट, बट एवरीथिंग वॉज गुड, आई होप यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग। हाँ, तो ये थी मेरी अब तक की कहानी, पसंद आई, थैंक यू, एंड आई होप समवन गॉट इंस्पायर्ड, एंड नाउ आई गेस यू कैन नो व्हाट अ प्रोफेशनल लव स्टोरी इज, एंड हाउ मच लव इज रिक्वायर्ड इन प्रोफेशनलिज्म, एंड यू नो दैट्स ऑल, हैव अ गुड डे, बाय बाय। ओके, हाँ, तो अभी इस वाले वीडियो में हम बस इतना ही बता रहे हैं, इसका जो अगला पार्ट होगा उसमें हम कंटिन्यू करेंगे ये बात, और अगला पार्ट अभी अपलोड नहीं हुआ होगा तो कुछ दिन में अपलोड हो जाएगा, अपलोड हुआ अगर तो आपको कहीं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो साइड में लिंक मिल जाएगा, जाके देख लो वहाँ पे। और ये कहेंगे कि पूरा वीडियो देखो, पूरा कंप्लीट सीरीज़ करके ही देखना, बीच में मत छोड़ना, नहीं तो बहुत बेकार होगा, और जब देखो तो ट्राई करो कंटिन्यूस देखो, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दो फिर अगला सीरीज़ आके देखो, एक महीने बाद आके देखो, मज़ा टूट जाएगा बीच में, ठीक है। तो फिर हाँ, अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।